नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार ने शुरू की अतिरिक्त धान को बेचने की प्रक्रिया। ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचा जा रहा है धान। 20 लाख टन धान अतिरिक्त रहने की संभावना। मनरेगा योजना में इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार का किया गया है सृजन। राज्य में अब तक 53 लाख श्रमिकों को मुहैया कराया गया रोजगार। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में 274 लोगों में हुई कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। नगर निगम रायपुर द्वारा चलाए जा रहे तुम्हर सरकार तुम्हर द्वार शिविर में लोगों का उमड़ा हुजूम। आय प्रमाण पत्र समेत कई योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे लोग। रायपुर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण के प्रवचन में रखे विचार। जैन दर्शन तीर्थंकर एवं भक्ति के बारे में श्रद्धालुओं को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मेन पर नक्सली हमले से जुड़ा हथियारबंद नक्सलियों का वीडियो आया सामने। मार्च 2020 में हमले में मारे गए थे 12 डीआरजी और 5 एसटीएफ के जवान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। दुर्गा भिलाई में अवैध प्लॉटिंग थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी संबंध में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव ने निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों कोहका शुभम कॉलोनी में हाई टेंशन तार के नीचे की गई अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर समाचार पत्रों में नगर निगम के अधिकारियों ने यह कहा था कि जल्द ही बिके हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री शून्य करने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ FIR की मांग की है। साथ ही संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 217 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। नगर निगम आयुक्त महोदय से को ज्ञापन देने आए थे, परंतु आयुक्त महोदय उपस्थित ना होने के होने के कारण उपायुक्त महोदय को हम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में हमारे क्षेत्र कोका क्षेत्र वार्ड 9 वहाँ शुभम कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग हाई टेंशन वायर के नीचे की जा रही है, जिसकी जो लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी शिकायत हम 8 तारीख को 8वें महीने में कलेक्टर साहब से किए थे, जिसके 2 महीने पश्चात यहाँ पर नगर निगम द्वारा दिखावे की कार्रवाई मात्र ईटा मिरीम गुट्टी उठा के की गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी की प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सुकमा जिले में प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोंगपाल में दीपिका का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थकों के साथ तोंगपाल नगर में रैली निकाली गई। साथ ही तोंगपाल बस स्टैंड प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ सुकमा मंडल के युवा भाजपा पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश नेतृत्व को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व जो दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो दायित्व मुझे प्रदेश नेतृत्व ने सौंपा है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करूँगी। आज तोंगपाल में मेरा प्रथम आगमन हुआ है और क्षेत्रवासियों के द्वारा मेरे लिए बहुत ही भव्य स्वागत किया, जिसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को भी तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ और मेरा ये उपाध्यक्ष पद आप सभी को समर्पित करती हूँ। मैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला मंत्री बनाए जाने पर सभी भारतीय जनता पार्टी साथियों को और वरिष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ सीनियर लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और जो कार्य मेरे को सौंपा गया है उसको पूर्ण रूप से पोलिंग बूथ स्तर में जाके एक एक कार्यकर्ता को कमर कसने और उठाने का कार्य करूंगा, निष्ठा से काम करूंगा और उनको मजबूती बोलिंग बूथ को बूथ स्तर में जाकर मजबूती दूंगा। खबर बिलासपुर से है, जहां एक घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को 6 माह बाद सिविल लाइन पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने अगस्त 2020 में अपने पिता के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि राहुल मकीजा ने उसके घर में गलत तरीके से घुसकर पीड़िता के साथ बदसलूकी की, छेड़खानी कर रहा था। उसी दौरान मौके पर पीड़िता के पिता पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी राहुल मकीजा वहां से फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कब की शिकायत थी, कैसे पकड़े? 22 अगस्त 2020 को 20 वर्षीय पीड़िता के द्वारा थाना लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता जो है अपने घर पर थी, तभी अनुवेदक राहुल मुखीजा जो शकरी का रहने वाला है वो अगर इसके साथ छेड़खानी कर रहा था, जिस पर थाना सिविल लाइन पर
धारा 354 का पंजीबद्ध योजना किया जा रहा था। और तब से जब से ये फायर हुआ था तब से आरोपी लगातार उद्योग क्षेत्र में था फरार था, जिसको पतासाजी के लिए कई बार पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया गया था, फिर भी असफल रहे। बाद में इसकी सूचना सक्रिय में रहने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को उनके असम में कथित रूप से सक्रिय गौ गिरोह पर रोक स्पष्ट करने की मांग की है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा राज्य इकाई के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि कई अन्य गिरोहों को भी राज्य सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी असम बेसब्री से सोनोवाल सरकार द्वारा गौ गिरोह चलाने पर मेनका गांधी की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। बघेल ने कहा कि खैर कई और सिंडिकेट हैं जिन्हें असम की भाजपा सरकार से संरक्षण मिल रहा है, ये आपके नारे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी को कहा था कि असम में मवेशियों की तस्करी में शामिल गिरोहों के अलावा कोयला, पत्थर, बांस, पान के पत्ते, सुपारी और यहां तक कि मछली की आपूर्ति में भी मजबूत सिंडिकेट सक्रिय है। खबर बालोद से है जहां पर जंगल में फांसी के फंदे में लटकी हुई युवक युवती की लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि दोनों मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और ये पूरी घटना गुरूर थाना क्षेत्र के चूल्हा पथरा गांव की बताई जा रही है। खबर रायपुर से है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। मुंगेली न्यायालय में वकील के तौर पर कार्य करने वाले वकील कृष्ण कुमार मेकले की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजन ने निजी क्लिनिक संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंगेली में कार्यरत अधिवक्ता कृष्ण कुमार मेकल की देर शाम तबियत खराब होने पर स्थानीय निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए थे। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान वहां निजी क्लिनिक के संचालक ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार वो क्लिनिक में अचेत हो गए, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से मुंगेली बिलासपुर मुख्य मार्ग स्थित निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो फिर डॉक्टर मतलब बताएं, गिधा के झोला छाप डॉक्टर डॉक्टर युगल साहू, उसका हॉस्पिटल है छोटा सा, वो बोले कि आपके पापा को मैं इंजेक्शन लगाया हूँ तो उसको सांस की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो उसे मतलब गिधा एम्बुलेंस में, मतलब अवध लाइफ केयर एम्बुलेंस में उसको ले जाएंगे, ऐसे करके बताने आया था। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बारियों में बिजली की परेशानी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जनपद सदस्य मुकेश गुप्ता के प्रयास से यहां 38 लाख की राशि से अलग फीडर की स्वीकृति मिली थी, लेकिन आज तक उस नए लाइन से ट्रांसफार्मर को जोड़ा नहीं गया है, जिससे कि ग्रामीण बहुत परेशान है। उनका कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण उनके बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे और साथ ही शाम के बाद हाथी का भी डर लगा रहता है। देखना होगा कि विद्युत विभाग उनकी समस्याओं को कितना जल्दी दूर कर पाते हैं। अभी लगातार ये लगभग एक साल से हमारे इस बरियू क्षेत्र में, जो कि मैं बता दूं आपको कि हमारा एक तरफ पहाड़ पारा है, वहाँ पे दो साल हो गया वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे खंभा खड़ा करके
और लगातार 2 साल हो गए वहाँ पे आगे कोई काम नहीं हो रहा है। बीच में तार भी लगाए थे, उसको निकाल के ले गए। गाड़ी तो गाड़ी खूटा गड़ी, लेकिन एक कोई देख रेख कराया कोई नहीं है। हाथी लाइन तार नहीं, लाइन तार अब देले नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं दिया है। आओ लड़का मन कर पढ़ाई लिखाई अब कमजोरी होगी, अब अंधेला में कहाँ पढ़े। खबर जगदलपुर से है। बस्तर के ग्राम मेरठपाल में नईगुड़ा पंचायत में शासकीय जमीन पर रास्ते को लेकर लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में सुरेंद्र आचार्य और उनके पुत्र के द्वारा आदिवासी महिला रामबती और उसकी बेटी को मारा गया। झगड़े के बाद आदिवासी महिला के साथ ग्रामीणों के द्वारा आदिवासी थाने में शिकायत की गई। पीड़ित महिला और ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी के समक्ष बैठक में मामला हल कर लिया गया था, फिर भी सुरेंद्र आचार्य और उनके परिवार ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो शासकीय जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन कब्जे से आदिवासी के जमीन का रास्ता बंद हो रहा है। एक सौ बारह बुलाते हैं, पूरा गांव वाले परेशान करके रखे हैं। कल 2 बार आया 112, फिर आज एक बार आया, गांव वाले की बात नहीं मान रहे उन लोग। तो पीड़ित की तरफ से आप लोग एफआईआर डाल रहे हैं कि पंचायत की तरफ से? पीड़ित तरफ से डाल रहे हैं। तो पंचायत का पीड़ित को सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट रहेगा ना। खबर कुरूद से है। इन दिनों मगर रोड क्षेत्र में रेत खदानें ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते काफी चर्चे में है। न रेत खदानों में पर्यावरण मंडल ने नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही पिटपास काटे जा रहे हैं। दिन हो या रात, मानो रेत माफियाओं के लिए त्योहार सा हो गया है। ऐसे में ग्रामीण जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेत माफियाओं से परेशान करेली बड़ी के ग्रामीण 19 फरवरी को हजारों की संख्या में अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ग्रामीणों की मांग थी कि गांव में रेत खदान चलने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि गांव में जब किसी की मौत हो जाती है तो ग्रामीण शव को रेत में दफन कर देते हैं। रेत माफियाओं द्वारा रेत घाट पर बेतरतीब खुदाई करने से रेत में दफन शवों को कंकाल बाहर आ रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पर बीएसएफ जवानों ने 3 IED बम को बरामद किया है। नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने बड़ा हादसा होने से पहले ही बम को बरामद कर लिया। बीएसएफ की 70वीं बटालियन की कार्रवाई से वायरलेस रेडियो सेट भी बरामद किया गया है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने बम लगाया था। रैली गुड़ादुर कॉलेज मैदान से कोंडागांव के जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। आंदोलन रैली में लगभग 100 ट्रैक्टर शामिल हुए। वहीं महिला अपराध और उत्पीड़न के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा को बल देने पहुंचे पूर्व मंत्री केदार कश्यप के भाषण के दौरान भाजपा कार्य प्रदर्शन स्थल के पास ट्रैक्टर रैली पहुंची। हमारे कलते वनवासी भाइयों के साथ में, किसानों के साथ में पिछले बार कलते हैं मारपीट किया गया, लाइट बंद करके मारपीट किया गया। यहाँ के जो अधिकारी थे उनका अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। कांग्रेस के नेता वहाँ पर किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं किए और बल्कि इन सब चीजों को बढ़ावा दिए। और आप ये किसान रैली निकाल रहे हैं कि इन किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने जब 2018 का जब चुनाव था तब कलते कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाया था कि हम सरकार बनाते ही स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। केदार कश्यप जी बिल्कुल सही बोले, सोनिया जी हमारी माता है और सोनिया प्रियंका गांधी हमारी बहन है, लेकिन उनको उनकी पत्नी जो है मुन्नी बाई प्रकरण वो भी हमारी बहन है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तकलीफ होता है कि हमारी बहन ऐसे नकली परीक्षार्थी कैसे बने। और ये जो धरना भारतीय जनता पार्टी का है ये तो अपना वजूद संभालने के लिए, पूरे देश भर में अन्य जगह जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है
वहां पर अन्याय कर रहे हैं किसानों के ऊपर। मनेंद्रगढ़ में एक निजी स्कूल की छात्रा निकली कोरोना पॉजिटिव, बहन की भी खबर सामने आ रही है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही। बता दें कि कोरिया जिले में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जिला जेल में मिले 25 मरीज, मनेंद्रगढ़ में एक निजी स्कूल की छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बैकुंठपुर कोरिया जिले में स्कूल खुलने व सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सहित अन्य सावधानी न बरतने के कारण एक बार फिर से जिले में कोरोना पाव पसार रहा है। जिला जेल बैकुंठपुर में गत 2 दिनों से 25 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिला जेल के बाद मनेंद्रगढ़ के एक स्कूल के छात्रा कोरोना पॉजिटिव निकली है और ये जांच आगे भी लगातार जारी रहेगी। मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें कोविड केयर सेंटर व होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर ली गई है। पिछले विधानसभा सत्र में इस विधानसभा सत्र में के बीच में घटित उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि इस विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा और किसानों की धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से संबंधित बातों को सदन में चर्चा के माध्यम से रखेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी नहीं होने और 15 वित्त आयोग के पैसे नहीं मिलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी पे है। पिछले विधानसभा से लेकर के इस विधानसभा के बीच में जो प्रदेश में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, उन सारी बातों का उल्लेख इस विधानसभा के माध्यम से चर्चा में उठाएंगे। खास करके जिस प्रकार से प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या के जो मामले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ है खत्म हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके कांके जिले के अंतागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम टेमरो पानी में आयोजित आदिवासी बुढ़ाल पेन पोर्तगुमा गोंडवाना विकास समिति के वार्षिक सिरसा पंचम कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुख समाज को जागरूक करें, संगठित करें, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूलक योजनाओं से जोड़ें, साथ ही समाज को बांटने वाले तत्वों से सचेत रहें। बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने ग्राम कंचनपुर में भूमि पूजन किया। महासमुंद जिले के पिठौरा ब्लॉक ग्राम कंचनपुर में बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर ने ग्रामीणों की मांगों को सुना। परेशानी को देखते हुए कहा कि कच्ची मार्ग अब नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि पतेरा पाले स्कूल से कंचनपुर तक के मार्ग को नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाएगा। बसना विधायक व छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के आतिथ्य में भूमि पूजन किया गया। रायगढ़ पुलिस के नाम आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने काम से निकाले जाने के खुन्नस और लखपति बनने के इरादे से व्यापारी के 6 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले रसोइयों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 घंटे में किडनैपर को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी रसोइया शिवांश अग्रवाल को अपने साथियों के साथ अपहरण कर झारखंड के पेशेवर गिरोह को सुपुर्द करने के लिए संपर्क में था। उनके आगे की प्लानिंग अपहृत बालक के परिजनों से 25 लाख रुपए फिरौती की डिमांड करने की थी। जिनके इरादों पर पानी फेरते हुए रायगढ़ पुलिस झारखंड पुलिस की मदद से घटना की सूचना के महज 7 घंटे के भीतर ऑपरेशन शिवांश चलाकर आरोपियों के कब्जे से बालक की सकुशल बरामदगी की गई।
खबर सूरजपुर से है, जहां पर प्रेमनगर होते हुए तारा जाने वाली सड़क इन दोनों चलने लायक नहीं रह गई है। खराब सड़क के कारण रोज हादसे भी हो रहे हैं, इसके बावजूद विभाग इसे सुधारने की कोई पहल नहीं कर रहा है। प्रेमनगर के कंट्रोली से तारा तक 6 किलोमीटर में 2-3 फीट के गड्ढे बन चुके हैं। पूर्व में सड़क को बनाने के काम तो कई बार हुए, पर यह रोड ठेकेदार की मनमानी की भेंट चढ़ गई है। सड़क निर्माण के दौरान रोड पर चिकनी मिट्टी डालने के कारण बारिश में चलना दूभर हो जाता है। राहगीरों के अनुसार रोड के कारण धूल सहित आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र में शासकीय भूमि अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भदौरा के जमीन घोटाले के बाद अब ग्राम बनेश्वर के नरवापारा में शासकीय भूमि को अधिग्रहण करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बनेश्वर के नरवापारा में शासकीय भूमि खसरा में कुल रकबा लगभग 20 एकड़ है, जिसमें से कुछ हिस्सों में मंगलचंद्र स्टाप डैम बनाया गया है। लगभग 1 एकड़ शासकीय भूमि बचा हुआ था, जिसे पिंटू शर्मा के द्वारा तत्कालिक भेजकर कब्जा कराया गया और लगभग 10 नग पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया गया। वहीं विरोध करने पर सरपंच के पिता को पिंटू शर्मा के द्वारा घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी जा रही है। गर्मी के दिनों में बनेश्वर में ग्रामीणों के लिए पानी पीने की समस्या बनी रहती है, और इसीलिए शासकीय जमीन पर पानी टंकी बनाने के लिए पंचायत के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। लेकिन पिंटू शर्मा की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और शासकीय कार्य पर बाधा डाला जा रहा है। हम लोगों का सरकारी भूमि है ग्राम पंचायत भनेसर से, जो उसको है जो पिंटू शर्मा बोलते हैं, मैं नहीं जानती, और उर्फ दिलीप शर्मा उनका नाम है, वो है जो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है करके, यहाँ पर 9/1 है करके वो ले जा रहे हैं, जो 11/1 है पंचायत के भूमि है ये भनेसर पंचायत से, तो उसको हम बेजा कब्जा किया जा रहा है। पूरा सरकारी पेड़ को काट दिए गए हैं, पूरा हम लोगों का भूमि है करके, यहाँ पर हम लोग पानी टंकी के लिए प्रस्ताव कर चुके हैं, पानी टंकी अभी बनाएंगे यहाँ पर, अगर SDM साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर पूरा चक्का जाम करेंगे। खबर कोंडागांव जिले के जातपुरी से है, जहां पर अवैध उत्खनन के साथ ठेकेदार द्वारा जाबर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंचे पत्रकार का मोबाइल ठेकेदार छीनते झपटते दिखाई दिया। बता दें कि ठेकेदार की बातों से ही लग रहा था कि इन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पर्यावरण के आदेश के बिना जाबर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें JCB व ट्रैक्टर की सहायता से कार्य कराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंचे पत्रकार पर्यावरण विभाग की अनुमति की जानकारी मांगने पर पत्रकार के साथ बदसुलूकी व कैमरा छीनते कैमरे में ठेकेदार कैद हो गए। डर रहे हैं इसलिए तो गाड़ी भगाई आपने? हम डर नहीं रहे। हाँ, गाड़ी क्यों भगाए आप? आप सही है तो गाड़ी क्यों भगाए? हम नहीं भगाए गाड़ी। कौन भगाया गाड़ी? हमारे पास पूरा वीडियो फुटेज है। अरे क्या करोगे नाम जाने? आप ये बताइए। खबर भिलाई से, जहां फेसबुक पे हुए पोस्ट से बवाल मच गया। दरअसल भाजपा नेता व RSS के लीडर डॉक्टर दीप चटर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद उनके घर पर तोड़फोड़ फायरिंग हुई। यह आरोप डॉक्टर दीप चटर्जी ने सीधे भाजपा की पूर्व महासचिव व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर की भाभी पर लगाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर दीप चटर्जी जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और भाजपा नेता व RSS के लीडर भी हैं, और भाजपा नेता डॉक्टर दीप चटर्जी अपनी बेबाक और निष्पक्ष टिप्पणियों के लिए जाना चाहते हैं। जबकि न्यूज इंडिया ने पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, पर अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की बातचीत करने से इनकार कर दिया। आज बलवा हुआ और एक हमले की शक्ल में 300 लोगों की भीड़ चारुलता पांडे और उनके 2 कुपुत्रों के साथ, जो सरोज पांडे के भतीजे होते हैं, मेरे घर 1 बजे के आसपास आए। उन्हें मेरे फेसबुक के किसी पोस्ट पे आपत्ति थी, जिसमें मैंने अपने 50,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि वो भवन का निर्माण करने की बात कर रहे थे 2.5 साल पहले, और मैंने एक 50,000 रुपये का चेक दिया था। अब चूंकि मैं पार्टी के संगठन की हालत देखते हुए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मैं फेसबुक में मैंने ये भर लिखा कि मेरे 50,000 रुपये वापस दिए जाए। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी, वहीं पुलिस ने संदेह कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे में सुलझा लिया। वहीं हत्या का कारण मारपीट और शंका करना बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका के पति ने पूछताछ में बताया कि उसने सोते समय हथौड़े से उसके चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग गया, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कुमिया जो थाना उर्गा का रहने वाला संतोष है वो आकर के थाना में रिपोर्ट लिखवाया था थाना उर्गा में कि उसकी माँ की जो श्रीमती संतरा उनकी मृत्यु जो है संदिग्ध हुई है। इसमें तत्काल थाना प्रभारी उर्गा और CSP कोरबा के टीम के द्वारा जा करके शव का आकलन किया गया था। निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टि जो मृत्यु संदिग्ध होना पाया गया था तथा आसपास में लोकल स्तर पर सक्रिय मुखबिर लगाकर लगातार घटना संबंध में प्रयास किया जा रहा था। कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।